नमस्ते माँ, आप इसे ले लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए आइए। अरे बड़ी अजीब बात है, मैंने तो बुलाया भी नहीं, तुम यहाँ कैसे? कादरी वन ने ही हमारे आने जाने का सारा इंतजाम किया है। नमस्ते। और वरदा, तुम ऑस्ट्रेलिया से कब लौटे? सुनो, कादरी वन ने हमारा आने जाने का इंतजाम पहले से ही कर दिया है। मुझे याद है हमारी शादी में आप दोनों ही आए थे, आज भी आप लोग यहाँ आए तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया, शुक्रिया। सच में। अरे बेटा, इतना सारा कुछ तूने क्यों किया है बेटा? वो क्या है कि कल मैं आपकी शादी का फोटो देख रहा था। आपकी शादी में ना पूरा गांव आया हुआ था, पर आपकी शादी के फोटो में ना मैं कहीं भी नहीं था। सबने आपकी शादी देखी, हाँ, मैंने नहीं। अच्छा हुआ मेरे बेटे ने मुझसे सवाल नहीं किया। क्या? उसके जन्म के 5 साल बाद ही तो मेरी शादी हुई। हैं? खा लिया जाना ठीक नहीं होगा। मैं। नमस्ते। अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं आता हूँ। अम्मा, ये कहाँ रख दूँ? जहाँ से तू लेकर आया है ना वही रख दिया। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, इससे तो चमे खाली आता जाता। नमस्ते। आइए आइए, इस तरफ आइए। घर के और लोग कहाँ हैं? सभी आ रहे हैं। नमस्ते, धन्यवाद कादरी मान। सभी लोग तो आ ही गए हैं। नमस्ते। लेकिन काबिल के घर से कोई नहीं आया। नमस्ते। वो आ जाएंगे माँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। हाँ जी, नमस्ते। अरे सुन सुन सुन, उस तरफ सब ठीक तो है ना? उधर हो गया, कुछ कम तो नहीं है? अभी इधर देख लेते हैं। ओके ओके सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा, गाल कैसा है? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते। क्या पिताजी, वहाँ सब खाने के लिए रुके होंगे, हमें चलना चाहिए। सब्जी इधर लाओ जरा, आराम से। अभी चाहिए, अभी खाइए। कुछ चाहिए क्या? इधर। ए, इनको पापड़ दो। बगल वाले कमरे। पेट भर के खाइएगा। हाँ थोड़ा संभाल कर ले जाना। जरा संभाल के। हाँ पेट भर के खाना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आया, अब जाइए। हाँ बाबू जी, आराम से आइए। हाँ आइए आइए। बात ठीक है ना? ठीक चल रही है। आपका ताली तक काली काय को है। खाइए खाइए, इधर भी डाल लेना। आराम से लेके जाओ। पेट भर के खाइए, छूटना नहीं चाहिए। पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। आपको क्या मांगता है, आप भी खाओ। आप लोग इस तरफ से जाइए। बाला नहीं है? अरे आ जाइए, इतना मत सोचिए, चलिए आ जाइए। बाला नहीं है? नमस्ते। कौन नहीं आ रहा है? अरे हा? वो थोड़ा आने में झिझक रहे हैं। आप चलिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। आप आगे चलिए। ठीक है। आप चलिए भैया। क्या हुआ माँ? पिताजी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जिस दिन तुम घर आए थे उस दिन उन दोनों में अनबन हो गई। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे माँ बाप को देखकर मेरा सर घूमने लगता है। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती। घर ऐसा होता है क्या? ऐसे घर में इंसान नहीं रह सकते। साली, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ अब या तो वो रहेंगे या फिर मैं। वही लोग चाहिए तो उनके साथ रहो, मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। ये क्या तरीका है? मेरे माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? उनका हमारे सिवा है कौन? मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? क्यों? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए तुम्हारा भाई है, इनका कौन है मेरे अलावा? ये सब पागल पर अपने दिमाग से निकाल दो। कौन बेवकूफ है? मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो। छे, अरे जाओ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी हो, बुजुर्गों की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती क्या? उनसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें यहाँ रानियों की तरह रखा है, रोज सुबह 9-9 बजे तक सोती हो, उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते। बात करती है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सारा काम तो मेरी माँ ही करती है।
दुकान जाना, सब्जी लाना, बच्चों को संभालना, ये सारा काम मेरे पिताजी करते हैं। आज तक पिताजी ने तुम्हें एक भी काम करने के लिए कहा है? अच्छा सुनो, उन्हें मेरे माँ बाप की तरह ना सही, कम से कम नौकरी समझ के इस घर में रहने दो, इतना तो कर सकती हो। ये सब सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है? अच्छा क्या कहा तुमने? माँ बाप सुन लेंगे? सुनते हैं तो सुनने दो, मैं डरती हूँ क्या उनसे? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, उन्हें अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है बेटा, इसलिए हम निकल के आ गए यहाँ पर। इसमें हमारी भी गलती है बेटा, होने वाली बहू हमारी अच्छे घराने से हो, सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, सर्वगुण संपन्न हो, यही तो हम लोग चाहते थे। बुढ़ापे में बहू हमारा ख्याल रखेगी ये हम उम्मीद रखते हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे इस खुशी के मौके पर बेटा मैं कैसे तुमको ये सब ये सारी बातें बता पाती, इसलिए हम नहीं आ पाए बेटा, हमें माफ कर देना बेटा। माँ मेरे साथ चलें, मेरा घर भी तो आपका ही है ना, आप वहाँ पे रहें। माँ मैं हूँ ना, आप लोगों को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे साथ चलिए ना आप लोग, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। नहीं बेटा, हम लोग अकेले नहीं हैं, बचपन से तुम और काबिल साथ पढ़े लिखे हो, उसको एक अच्छी नौकरी भी तुमने दिलाई और अब भी तुम दोनों साथ हो, यही हमारे लिए बहुत है। हम यहाँ पर हैं, ये बात अपने माता पिता को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जाओ बेटा, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। माँ, आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे घर चलिए। जाओ बेटा, जाओ। माँ मैं इस हालत में आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। जाओ बेटा, माँ कहते हैं ना मुझे, जाओ। कादरीवन, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों में से किसी की भी मौत हो जाए तो चिता को आग लगा दे, जरूर आना बेटा। अरे अपने माँ बाप के बारे में उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारा काम बनता था उसे समझाना। ए, समझना तो दूर की बात है, मैं तो हार गया। तू ही बता मैं क्या करूँ, वो बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई, किसी भी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे घर वापस लेके आना है, मैं आसपास किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। माँ पिताजी को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए आज तक उसके हर बात सहन करते आया हूँ। माँ बाप बीवी बच्चे इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें एक बात पता नहीं है कादरीवन, एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हमें जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, भगवान जैसे माँ बाप को छोड़ दिया, पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात तूने सब अलमारी में संभाल के रखे हैं और माँ बाप को छोड़ दिया। तुझे ये सब शोभा देता है क्या? बोल। जो मुझ पे बीता है मैं नहीं चाहता किसी और पे बीते कादरीवन।